नमस्कार, मैं स्मृति मानधना, भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाज। जीवन में सफल होने के लिए आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना होगा। एक अच्छा टीम प्लेयर कौन होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला वो प्लेयर जो कि टीम मेंबर्स की बात सुनता है और एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करता है। 10 साल के कार्तिक को टीम का हिस्सा बनने में मुश्किल हो रही थी। चलो देखें कैसे बना कार्तिक एक अच्छा टीम प्लेयर। कार्तिक एक होनहार बच्चा था, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला, मगर कई बार हमेशा फर्स्ट आना या बाकियों से होशियार होना ही सब कुछ नहीं होता। अगर तुम लोग मेरी तरह से साइंस मॉडल नहीं बनाओगे तो मुझे तुम्हारी टीम में नहीं रहना। मैं तभी खेलने आऊंगा जब मुझे कैप्टन बनाओगे। कार्तिक के सबसे अलग रहने के इस व्यवहार को लेकर उसकी माँ भी परेशान रहती थी बेटा, और उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम अपनी दोस्त मिसेस गौरी को बताई। मैं कार्तिक की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ मिसेस कुटी। आप एक काम कीजिए, कार्तिक को मेरी बेटियों के साथ क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दीजिए। मुझे यकीन है कार्तिक को वहाँ सही दिशा मिलेगी। कार्तिक की माँ को ये सुझाव काफी पसंद आया और उन्होंने कार्तिक को एकेडमी ज्वाइन करवा दी। मगर हमारा कार्तिक भी कम जिद्दी थोड़े ही था। माँ, मुझे लड़कियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना, उन्हें क्रिकेट खेलना आता भी है। मीनू और अंजलि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, और ये मत भूलो कि तुम्हारी मम्मी भी कॉलेज तक क्रिकेट खेली है, समझे? आखिर कार्तिक ने अंजलि और मीनू के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसे ये एहसास होता चला गया कि वो कितना गलत सोचता था। अरे, ये मीनू तो कितने बढ़िया शॉट्स मारती है, सीधा सिक्स, और अंजलि, इसकी फास्ट बॉलिंग तो कोई भी बच्चा नहीं खेल पाता, और ये बाकी लड़कियां कितनी फास्ट डाइव करके कैचेस पकड़ रही हैं। जहां कार्तिक की सोच बदल रही थी, वहीं उसे कुछ जरूरी सबक सीखने को भी मिल रहे थे। Come on, 2 runs. Oh no. Oh. हाँ? अरे मीनू, ये तुमने क्या किया? तुम तो हमारी टीम की स्टार बैट्समैन हो। हाँ कार्तिक, पर अभी तुम मुझसे ज्यादा अच्छा हिट कर रहे हो, तो टीम को जीतने के लिए तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और टीम वर्क से ही तो हम जीत पाएंगे। मीनू की एक छोटी सी बात से कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे टीम वर्क की अहमियत समझ आ गई थी, और जब कार्तिक ने टीम को जिता दिया तो उसने अपनी प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी भी मीनू को दे दी। मिसेस गौरी, आपके सुझाव ने तो कमाल ही कर दिया। कार्तिक को अब अपना सबक मिल गया था कि जीत हमेशा किसी एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरी टीम की होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कार्तिक की जर्नी पसंद आई होगी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेल टीम वर्क सीखने का एक अच्छा तरीका है।